एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो फ्लैश फाइल है, पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सैमसंग की जितनी भी फाइल है वो आप कैसे सैम FW से उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप सैमसंग के अलावा जो बाकी मॉडल्स आते हैं उनकी फ़ाइल आप कहाँ से इजीली ढूंढ सकते हो जो कि ट्रस्टेड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कोई मॉडल, जैसे मुझे चाहिए रेडमी नोट 9 प्रो। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रेडमी नोट 9 प्रो। ये आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, अपने किसी लैपटॉप पे भी आप सेम जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मुझे चाहिए रेडमी नोट 9 प्रो की, तो मैंने नोट 9 प्रो पे क्लिक किया। एक मिनट, यहाँ फ्लैश फाइल। तो यहाँ पे वैसे आप देख सकते हो रिपेयर माय मोबाइल और GSM माफिया दोनों ही जो ट्रस्टेड जो आपकी साइट्स है वो दोनों यहाँ पे आ गई है, पर मैं ज़्यादातर रिकमेंड आपको करूँगा GSM माफिया के लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने जितनी भी फाइल डाउनलोड की है उनमें आज तक कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो नोट 9 प्रो की ये फ्लैश फाइल है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लैश फाइल है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको साथ ही साथ इसका जो EDL पॉइंट है वो भी दिखाया होगा जिस फ़ोन का आपको चाहिए, और उसी के साथ इसकी फ्लैश फाइल है इंडियन ग्लोबल, जो भी आपको डाउनलोड करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। और फ्लैशिंग के लिए आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा इस पर ही, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई अगर और फाइल चाहिए हो, जैसे आपको चाहिए हो वीवो Y91 फ्लैश फाइल, तो आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे रिपेयर माय मोबाइल में ये अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको कहीं भी GSM माफिया में ये दिख नहीं रही है। तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो GSM माफिया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो फ्लैश फाइल है 91C की यहाँ पे अवेलेबल है, वीवो 91i की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फाइल है ये अवेलेबल है। PDA एक बार आप वीवो पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे वीवो 90 की है ये, तो 91 की GSM माफिया पे नहीं है। तो आप यहाँ पे रिपेयर माई मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो आपको जो फ्लैश फाइल दी गई है, और फ्लैशिंग के लिए आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर जहाँ से आप चाहे वहाँ से कर सकते हो, पर ये फाइल 100% ट्रस्टेड है, दोनों ही साइट यहाँ पे ट्रस्टेड साइट है। तो बाकी किसी भी मॉडल की आपको फ्लैश फाइल चाहिए हो तो आप इन दोनों साइट से जब मर्ज़ी कोई भी फाइल हो ईजीली डाउनलोड कर सकते हो, आपको उस फाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैं आपको एक बार और भी किसी मॉडल का बता दूं, जैसे आपको फ्लैशिंग फाइल ढूंढनी है तो आप किस तरह से ढूंढ सकते हो, जैसे किसी ओल्ड मॉडल की बात करता हूँ मैं, पैनासोनिक की ले लो, पैनासोनिक एलुगारे 800 फ्लैश फाइल। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ही साइट्स पे नहीं मिलेगी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पुराने मॉडल है तो अवेलेबल नहीं रहती है। तो जो भी आपको फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि firmwarefiles.com, इसी पे ही आप क्लिक कर लो, जो कि मैंने आज की भी है इस पे डाउनलोड। तो अब एक बार अपने मॉडल को चेक कर ले कि इसमें वर्जन कौन सा है, 10.12 है या आप देख सकते हो 10.22 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दोनों ही लिंक आपको अवेलेबल दिए गए हैं, और SPD टूल भी आपको साथ में इसके साथ में दिया गया है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को अपने जो फ़ोन है उस पर भी ढूंढ सकते हो और अपने लैपटॉप भी ढूंढ सकते हो, जो कि आपको इजीली मिल जाएगी। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और किसी भी फ्लैश फाइल की आपको नीड हो तो आप मुझे बता सकते हो,
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।